कहाँ हैं आप? केटो कहाँ है? केटो का केटो दिखाओ। ये देखो भाई, इसकी केटो भी है मेरे बेटे की। केटो पारी लगती है मेरे बेटे को। केटो है? क्या कर रही हो? खेल रही हो आप? ठंडी तो होने दो, अभी कितनी गर्म है। जी मम्मा ठंडा होने दो ना मेरा बेटा, ठंडी हो जाए फिर मैं आपको खिलाती हूँ। देख गर्म है अभी फुल। अभी जो है ये वाला डब्बा जो है इनमें मेरा सामान है, सारे बर्तन है, और ये जो है मेरी शादी का ब्रीकेस, और ये भी पेटी में रखती हूँ। और जी ये देखें, ये है बड़ी पेटी, तो अभी इसको खोल के रखा हुआ है, तो अब इसमें सामान जो है डालती हूँ। तो मैंने जो है इस कमरे के इस कोने में जो है ये पेटी रखी है, और इस सेट जो है मैंने फ़िलहाल ये कर दिए, अलमारी सेट कर दिए, तो अभी पेटी में जो है सामान डालना है मुझे। और ये देखें कमरे की हालत कितनी बुरी हो रही है इस टाइम, तो ये सामान रखना है और ये सामान रखना है। तो ये सारा जितना सामान जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, ये रखना है। कुशन वगैरह तो नहीं रखने, ये बैग हो गया, ये कंबल हो गया, तो ये हो गया। इसमें सर्दी के बिस्तर हैं, इसमें कुछ सामान है, इसमें भी बर्तन ही हैं, और इसमें भी सर्दियों का सामान है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, और आपकी दुआओं से, अल्लाह पाक के करम से हम भी ठीक हैं। तो अभी और दोपहर का टाइम, और ये देखें सुबह से जो है मैं लगी हुई थी सामान समेटने में, और जो चीज़ें जो है मैंने बाहर रखनी थी बाहर रख ली, और पेटी में जो रखनी है वो पेटी में रखूँगी, जो चीज़ें संभाल के बाहर रखनी है, बाहर तो खास नहीं रखनी क्योंकि पेटी तो है अभी साथ में, जो ज़रूरत का सामान है तो साथ साथ में निकालती रहूँगी। तो ये देखें बोरियों में सारा सामान, ये देखिए वैसे का वैसे ही पड़ा है। तो आप लोगों को पता है जैसे कि किराए का मकान है, तो फिर जब मकान जब मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो आप लोगों को पता है फिर जो है इस सामान को फिर मुझे बोरियों में डालना पैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं कह रही हूँ कि ये पेटी तो मैंने मंगवा ली, तो इस पेटी में ऐसे ही रख देती हूँ, जब मेरी ज़रूरत का होगा तो उन बोरियों में से जो मैं निकाल लूँगी, तो वैसे पेटी में ही ऐसे ही रहने देती हूँ। अगर मैंने एक एक चीज़ करके निकाल ली ना, तो मुझे दोबारा से समेटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो बस अल्लाह में अपना घर दे, तो फिर मेरी टेंशन जो है ख़त्म हो जाएगी। फिर जो है आपको पता है फिर बंदा हर चीज़ जो है अपनी ज़रूरत की जो तरीके से रख लेता है। बहरहाल जो ये सामान जो है अभी मैं जो है उसमें रखती हूँ, और कुछ दो डब्बे पड़े मेरे बैठक में, और जो मेरी शादी का ब्रिक केस, और उसमें जो ख़ास सामान था उसी में है, तो वो जो है वैसे ही रख दूँगी। उसमें से जो है मुझे कोई चीज़ नहीं निकालनी, सिर्फ एक कप जो है स्लिम के लिए चाय का निकालना है, स्लिम का चाय का कप जो है टूट गया था। तो ये पेटी है, और इस पेटी में जो है अभी सारा सामान जो है मैं ये रखती हूँ। और यहाँ पे जो है ये देखें दूध जो है मैंने रखा हुआ है, तो अभी लाइट आती तो ये बनाती हूँ कैस्टर बच्चों के लिए, और आटा भी जो है मैंने गूंद लिया, अभी रोटी भी बनानी है, और थोड़े से बर्तन पड़े, अभी चाय पी थी तो ये बर्तन भी धोते हैं। मलाइका खेल रही है, देखें मलाइका यहाँ पे बैठ के खेल रही है। मलाइका एक सेट पे जाके बैठ के खेलो, जाओ ज़ैफ़ा आप भी जाके उधर ही खेलो। तभी जो है सामान काफ़ी सारा जो है मैंने रख लिया है, और थोड़ा बहुत जो है रहता है जो डब्बे मुझसे नहीं उठ रहे वो वजन ही उठ सलीम को बोलूँगी। तो बाकी काम किचन का कम्प्लीट हो गया है, तो मैं भी आज जो है हमारी गली में बहुत बड़ा मिलाद था तो मैं वहाँ चली गई थी, तो बस अभी आई हूँ, थोड़ी देर हुई है, आटा गूंद है, बाकी काम कंप्लीट है। कल वाला सालन जो पड़ा था मैंने कहा वही खा लेते हैं, हालांकि मेरा इरादा था कि आज जो है चने वाले पुलाव बना लेती या आलू वाले पुलाव बना लेती, वो बांट लेती, पर उसके लिए भी टाइम नहीं मिला, तो मिलाद तक जाना भी बहुत ज़रूरी था। स्लिम उठे तो फिर मैंने उनको कहा आप यूँ करें कि आप जलेबियाँ लें तो वो बांट लेते, तो स्लिम गए अभी जलेबियाँ लेने के लिए, तो लेके आते हैं देखते हैं, तो फिर जो है बच्चों को जो है तकसीम करते हैं। ये बड़ी चेयर, और यहाँ पे टेबल पड़ी हुई है, यहाँ पे छोटी चेयर भी, तो ये बाहर ही पड़ी हुई है, तो अभी कमरे की कोई सेटिंग वगैरह जो है नहीं हुई। तो ये देखें जी काफ़ी सामान जो है मैंने खुद रख ली है, और यहाँ पे स्लिम को कहती हूँ कि वो डब्बे ला के ना वो यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये भी टोकरी की भी सेटिंग करती हूँ, अब समझ नहीं आ रही मुझे कि अलमारी की जो है ये सेटिंग ना बहुत बुरी हो गई है, मतलब यहाँ पर मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो या अलमारी में उस सेट कोने में करती हूँ या इस सेट कोने में करती हूँ, पर ये जगह खाली हो जाएगी। फर्श जो है ना बहुत ही बुरा, जो फर्श है ना इतना गंदा, यकीन करें जब सामने दिखता ना ऐसा लगता है कि कमरे में झाड़ू ही नहीं लगा, हालांकि ऐसा नहीं है। जो मालिक मकान है ना उन्होंने जो है कमरे में ना पूरा प्लास्टिक डाला हुआ था, फिर उन्होंने प्लास्टिक जैसे उतारा था ना, तो ये सारे दाग ऐसे ये देखे बन गए ना,
कैसा लगता है, झाड़ू भी पोछा इस पर लगता ही नहीं इस कमरे में, तभी इस कमरे का फर्श जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये देखें। तो मैंने कहा नहीं, आप लोगों के लिए नहीं बना रही मैं। तो इनके पापा ने कहा कि चलो भाई बच्चों को तो आप केस्टर बना दें, बाहर के लिए जो है मैं जलेबियाँ ले आता हूँ बांटने के लिए। तो अभी वो जलेबियाँ लेके आते, काफ़ी टाइम हो गया, तो जब तक जो है ना मैं ये रख लेती हूँ केस्टर बनने के लिए और साथ साथ में रोटियाँ बना लेती हूँ। तो अभी जो दूध मैंने रख दिए और ये वाला दूध मैंने निकाल दिया, इसके अंदर जो है हम केस्टर डालेंगे, केस्टर वनीला वाला। तो ये केस्टर ये वाला जो है डालेंगे, इसका बनाएंगे और इसमें जो है बिल्कुल ही सादा सा बनाएंगे। और जो है मैंने लाचियाँ जो हैं यहाँ पे रखी हुई हैं ये देखें, तो लाची भी डालेंगे, इसकी उसको खुशबू अच्छी आती है। दादी बना रहा मज़े मज़े ये देखें जी, गरम गरम जलेबियाँ ले आए, इसमें निकाल कर बांट कर। नहीं नहीं शॉपर से बाहर नहीं निकालो ये ना, बच्चों को एसी ना शॉपर के अंदर रख के गरम गरम बांट लो। और ये देखें बस अभी 2-3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे हल्की आंच पे, और फिर केस्टर ठंडा करके ना फिर इसको फ्रिज में रख देंगे। सलीम ने सारा सामान जो है रख दिया, ये देखें बॉक्स और ये ब्रीकेस वज़नी था, वो भी वज़नी था, उसमें बर्तन थे, और जी इसमें सर्दियों का सामान ये बैग वगैरह, एक्स्ट्रा कुशन भी रख लेती हूँ। बाहर जो है ना सारे गंदे हो रहे हैं, ये देखिए ऑयल लगा दिया बच्चों ने। मलाइका बेड की क्या हालत की है तुमने, उज़ैफा रख दो मेरा बेटा। चलें जी कुशन भी आ गए इसके अंदर, जो है मेरा सारा इस पेटी में आ गया, तो इस पेटी को तो बंद कर लेते हैं। पेटी में अभी मैंने सारा सामान जो है रख लिए, अभी बस उसके ऊपर जो है कपड़ा डालना है, कपड़ा तो फिलहाल मेरे पास कोई नहीं है, तो मैं सोची जो मेरे पास अलग अलग से जो पर्दे पड़े हुए हैं सोची फिलहाल तो उस पर कपड़ा डाल देती हूँ, फिर जब जो है चक्कर लगेगा बाज़ार की तरफ तो जो कोई बड़ी चादर लेके आऊँगी तो उसके ऊपर जो है डाल दूँगी मैं अच्छी से। तो अभी रूम की सेटिंग जो है बिल्कुल आगे पीछे होगी, गड़बड़ हो गई है, तो कल इंशाल्लाह जो पूरे रूम की सेटिंग भी करूँगी, अच्छे से सफाई करूँगी, फर्श धोऊंगी। तो अभी बस यहाँ पे भी जो है खाना जो है हमारा माशाल्लाह तैयार है, तो अभी रोटी बनाती हूँ और चाय बनाती हूँ, सब हो गया तैयार। वीडियो का भी यहीं पर करती हूँ एंड, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।